राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम दधीची का त्याग। बच्चों, बहुत समय पहले देवताओं और दानवों के बीच युद्ध होता रहता था। ऐसे ही एक युद्ध में दोनों ओर के बहुत से लोग मारे गए। दोनों ही पक्ष युद्ध से तंग आ चुके थे। इसलिए उन्होंने आपस में समझौता कर लिया कि वे अब कभी युद्ध नहीं करेंगे, अपने सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर देंगे। अब प्रश्न ये था कि उन अस्त्र शस्त्रों को कहां फेंका जाए। यही जानने के लिए देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से मिले। गुरुदेव बृहस्पति को मेरा सादर प्रणाम। आयुष्मान भव। आप तो जानते ही हैं गुरुदेव, देवताओं और दानवों में समझौता हो गया है कि अब हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है देवराज इंद्र कि तुम लोगों ने शिव बुद्धि मानी की। शांति और प्रेम से रहना बहुत अच्छी बात है, पर देखता हूं अभी भी चिंता व्याप्त है। हां गुरुदेव, इन अस्त्र शस्त्रों की ही तो चिंता है। देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी हथियार हैं, अब इनका क्या करें गुरुदेव? ऐसा करो, इन्हें ऋषि मुनियों को सौंप दो। वे तपस्वी और शांति प्रिय होते हैं, वे इनका दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे। परंतु गुरुदेव, ऐसे शांति प्रिय लोग भला अस्त्र शस्त्रों को स्वीकार ही क्यों करेंगे? यदि तुम उन्हें ये विश्वास दिला दो कि ये काम तुम सबकी भलाई के लिए कर रहे हो, तो वो तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों को रखना स्वीकार कर लेंगे। तो फिर ऐसा ही करते हैं गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव देवराज इंद्र। गुरु बृहस्पति की बात मानकर इंद्र आदि देवता पृथ्वी पर ऐसे ऋषि को ढूंढने में लग गए जो इन खतरनाक अस्त्र शस्त्रों को रख सके। जब वे महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा इस आश्रम का वातावरण कितना शांत और पवित्र है। यहां नदी के तट पर शेर और हिरण अपना स्वाभाविक वैर भूलकर एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। हमारे अस्त्र शस्त्रों के लिए यही स्थान सबसे उत्तम रहेगा। वहां उस पेड़ की छाया में
महर्षि दधीचि ध्यान मग्न हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि वे इन अस्त्र शस्त्रों को स्वीकार कर लें। महर्षि दधीचि ने लोक कल्याण की भावना से देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को अपने आश्रम में रखना स्वीकार कर लिया। बाद में उन्होंने सोचा कि इन विनाशकारी हथियारों को रखने से क्या लाभ, इसलिए उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन सब हथियारों को पिघला दिया और उसे पी गए। उधर दानवों को युद्ध के बिना चैन कहां। कुछ समय बाद उन्होंने फिर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। देवताओं को जब ये पता चला तो वो बहुत घबराए। देवराज इंद्र दौड़े दौड़े महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे। तब महर्षि ने कहा, देवराज इंद्र, आपने सच्चे मन से शांति की कामना की थी, अपने अस्त्र शस्त्र मुझे सौंप दिए थे, मैंने भी उसी शांति की कामना से उन शस्त्रों को पिघलाकर पी लिया था। अब यदि मेरे इस कार्य से आपका अहित होता है तो मैं भी दोषी हो जाऊंगा। नहीं नहीं महर्षि, आप दोषी नहीं हैं। सारा दोष उन दानवों का है जो ना स्वयं चैन से रहते हैं और ना हमें रहने देते हैं। अब हम क्या करें महर्षि, कैसे उत्तर दें उनके आक्रमण का? आप मेरी अस्थियां ले जाइए, उनसे जो हथियार बनेंगे वो वज्र जैसे कठोर होंगे। उन हथियारों की सहायता से आप दानवों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। नहीं नहीं महर्षि, नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं महर्षि? आप जैसे तपस्वी महात्मा को मैं भला कैसे मार सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा महर्षि। जन कल्याण के लिए ये तो करना ही होगा देवराज इंद्र, करना ही होगा। नहीं नहीं महर्षि, ये मुझसे नहीं होगा महर्षि, ये मुझसे नहीं होगा। मैं भला आपको कैसे मार सकता हूं? नहीं महर्षि, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा महर्षि। मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा महर्षि, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। महर्षि दधीचि के बार बार कहने पर भी जब इंद्र उन्हें मारकर उनकी अस्थियां लेने को तैयार नहीं हुए, तब लोक कल्याण हेतु महर्षि ने अपने तपोबल से अपने आप समाधि लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। नहीं नहीं महर्षि, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं करें महर्षि, महर्षि। उनकी अस्थियों से देवताओं ने वज्र नाम का हथियार बनाया और उसी की सहायता से दानवों के सेनापति वृत्रासुर को मार गिराया।
सभी देवता बड़ी बहादुरी से लड़े और अंत में उन्हीं की विजय हुई। महर्षि दधीचि के त्याग और बलिदान की ये कथा उनके महान स्वरूप को दर्शाती है। दधीचि का त्याग। अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, विषय संयोजन प्रोफेसर सुरेश पांडे, विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर सत्यप्रकाश बान्याल, विषय परामर्श डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. अनूप राजपूत और डॉ. अमरेंद्र बेहरा, आलेख डॉ. बी. आर. धर्मेंद्र, कलाकार सतीश कक्कड़, पवन कौशिक, राजेश आहूजा और राजश्री, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, आलेख संपादन निर्माण तथा प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन। वंदना अरिमर्दन।